नमस्कार दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 29। आई होप आपने पिछले सारे सेशन देख लिए होंगे और जल्दी ही हमारी ये बुक कंप्लीट भी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं सेशन नंबर 29। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ चेंजेस, एनी यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। दीज आर द लिंक्स जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज पर। सोनू त्यागी इंग्लिश इज माई ID, जिसे आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करें, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग सा स्टफ जरूर मिलता रहेगा। चलिए सेशन नंबर 29। अब देखो, लास्ट सेशन जो था हमारा सेशन नंबर 28, उसके अंदर 10 अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स आपको बताए गए थे। इस सेशन में वही पर्सनैलिटी टाइप्स का थोड़ा सा इलैबोरेशन है, मतलब उसी को और थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे। है वही बेसिक रूटीन, रूट वर्ड्स वही हैं या बेसिक वर्ड्स वही हैं, उन्हीं के जोड़ करके कुछ और शब्दों की बात कर रहे हैं बस थोड़ी सी, और रूट भी ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। जैसे हमने एक वर्ड की बात की थी मार्टिनेट, है ना, लास्ट सेशन में एक मार्टिनेट वर्ड की बात की थी। मार्टिनेट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करता है। अब ये बताया कि मार्टिनेट वर्ड आया कहाँ से, ये भैया फ्रेंच आर्मी में एक जीन मार्टिनेट नाम के इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, किसके टाइम में, किंग लुइस 14, लुइस 14वें की आर्मी जो थी वहां पर फ्रेंच के अंदर, उनके वहां पर। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, फेनेटिक टाइप के थे, मतलब इतने कट्टर टाइप के ड्रिल मास्टर थे। ड्रिल मास्टर मतलब जो एक तरीके से जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, ठीक है, और इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं गया था। और इस टाइम के बाद से ही फ्रेंच आर्मी की जो रेपुटेशन थी डिसिप्लिन के मामले में, वो काफी ज्यादा हो गई थी कि फ्रेंच आर्मी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। किनके नाम की वजह से, ये जीन मार्टिनेट भाई साहब की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे और करवाते थे दूसरों से, बहुत स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन के मामले में, इन्हीं के नाम से मार्टिनेट शब्द निकला, ठीक है। हालांकि ये शब्द अपने आप में एक डेरोगेटरी सेंस में यूज होता है, और डेरोगेटरी सेंस का मतलब होता है एक अगर किसी व्यक्ति को हम बोले मार्टिनेट, तो ये मतलब कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है, एक डेरोगेटरी शब्द है कि कोई व्यक्ति मतलब जिसके दिमाग में डिसिप्लिन को लेकर के सनक हो, कि अगर मैंने कहा है कि आपको यहां से ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुंचना है, तो आप अगर मैं मार्टिनेट हूं तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली चले गए और डायरेक्टली पॉसिबल रास्ता भी है, और अगर आप डायरेक्टली चले गए अपना दिमाग लगा करके, तो ये मार्टिनेट को पसंद नहीं आएगा। मार्टिनेट को पसंद आएगा जो मेरी इंस्ट्रक्शंस थी, वर दे फॉलोड और नॉट, इफ दे वर नॉट फॉलोड तो यू हैव नॉट डन इट राइटली, ठीक है। तो मार्टिनेट जो शब्द अपने आप में एक डेरोगेटरी, एक अपमानजनक सेंस में यूज होता है, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, ठीक है, और एक बेचैनी को शो करता है, जनरली शोज रिसेंटमेंट एंड एंगर ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति मार्टिनेट है, तो मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं कुछ एंगर टाइप का होगा, ठीक है। रिसेंटमेंट का मतलब होता है बेचैनी, अनइजीनेस, वो होता है रिसेंटमेंट। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल दिए, द सेक्रेटरी हु कॉल्स हिज बॉस अ मार्टिनेट, द वाइफ हु अप्लाइज द एपिटेट टू हर हस्बैंड, और द वर्कर हु डज एफर्ट्स टू द फोरमैन। दीज स्पीकर्स ऑल शो देयर कंटेम्प्ट फॉर द एक्सेसिव इनह्यूमन डिसिप्लिन टू विच दे आर आस्क्ड टू सबमिट। अगर कोई सेक्रेटरी अपने बॉस को मार्टिनेट बोलता है, इसका मतलब उसका बॉस बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन को लेकर के, या बहुत ही ज्यादा नॉर्म्स एंड रूल्स को लेकर के ऑब्सेस्ड है वो, बहुत ही ज्यादा। अगर कोई वाइफ इस नाम को अपने हस्बैंड के लिए यूज करती है, तो मतलब वो अपने अपने हस्बैंड को एक तरीके से, ये एक अच्छा शब्द नहीं है यूज करने के लिए। एपिथेट का मतलब होता है निकनेम। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए मार्टिनेट जो निकनेम एक तरीके से यूज करती है, तो मतलब वो कंटेम्प्ट शो कर रहे हैं। कंटेम्प्ट मतलब होता है एक तरीके का निंदा शो कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। सेक्रेटरी अपने बॉस के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, या कोई वर्कर फोरमैन के लिए, फोरमैन मतलब लीडर एक तरीके से, वर्कर्स का जो लीडर होता है वो फोरमैन। तो कोई वर्कर अपने लीडर के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, सेक्रेटरी अपने बॉस के लिए अगर इस शब्द को यूज करते हैं, तो वो एक कंटेम्प्ट शो कर रहे हैं उनके लिए, एक निंदा शो कर रहे हैं अपने उसके लिए, उस डिसिप्लिन के लिए जो उनसे उम्मीद की जाती है वो सबमिट करें ही करें। मार्टिनेट क्योंकि अब एक व्यक्ति के नाम से निकल करके आया, तो इसका मतलब यह भैया इसका कोई रिलेटेड और रूट वर्ड तो होगा नहीं। हालांकि बस यहां से एक मार्टिनेटिश या मार्टिनेटिज्म, ये दो वर्ड तो निकल सकते हैं जो आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई इसका रूट वर्ड नहीं है या इससे बनने वाले और कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा आप ध्यान रखिएगा, जैसे मार्टिनेट किसी व्यक्ति के नाम से निकला है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या जगहों के नाम से निकले हैं, ठीक है। ऐसा ही एक शब्द है वाटरलू, शायद आप लोगों ने सुना होगा वाटरलू,
शायद आगे चर्चा भी होगी कहीं पर। वाटरलू एक जगह का नाम है यूरोप के अंदर, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हारा था, आखिरी हार अपनी जिंदगी की नेपोलियन को यहां पर मिली थी, इसलिए वाटरलू का मीनिंग ही आज की डेट में रख दिया है फाइनल डिफीट, आखिरी हार। ऐसे ही एक वर्ड है बॉयकॉट, बहिष्कार कर देना, सबने सुना होगा। बॉयकॉट एक अंग्रेज के नाम पे लिया गया, एक अंग्रेज व्यक्ति था जो अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, बहुत टॉर्चर किया करता था, तो उसके आसपास के लोगों ने उससे बात ही करनी बंद कर दी। तो वो जब भी कहीं पर आता था लोग उससे बात नहीं करते थे, तो लोग बोलते थे बॉयकॉट आ गया, मतलब उससे बात नहीं करनी। तो ये वर्ड फिर फेमस हो गया, तो फिर जो भी व्यक्ति इस तरीके का होता था जिससे बात नहीं करनी होती थी, बोलते इसको भी बॉयकॉट कर दो, इसको बॉयकॉट बना दो, तो वहां से ये वर्ड फेमस हो गया। तो ये भी किसी व्यक्ति के नाम से आया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश के अंदर जो लोगों के या जगहों के नाम से निकले हुए हैं और इनके ऊपर आधारित कोई दूसरे वर्ड नहीं बनते हैं, आगे बनते हैं। फिग शार, अब आगे देखते हैं जो वर्ड है यहाँ पर फिग शार, ये किसके लिए यूज हुआ? साइकोफेंट के लिए यूज हुआ भैया। साइकोफेंट क्या होता है? चापलूस टाइप का जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। और इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो इस जगह से मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर व्हेन ए फेलो वांट्स टू गेट ए गुड मार्क्स, मतलब स्टूडेंट की बात करें, जब कोई स्टूडेंट वांट्स टू गेट ए गुड मार्क ही में पॉलिश एन एप्पल, वो एक एप्पल को चमका करके टीचर की डेस्क पर रख दिया करता था या कर सकता है, इस तरीके का मतलब चापलूसी करने वाला कंसेप्ट है। ऐसा अलग अलग जगह के अंग्रेजों का ट्रेडिशन होता होगा कि एप्पल को एकदम शाइन करके चमका करके टीचर की डेस्क पर रख दो तो आपको वहां पे नंबर मिल जाते होंगे। हमारे यहाँ पे अलग तरीके के कंसेप्ट चलते हैं, है ना। तो एप्पल शाइनर वहां पर उसको बोलते थे। जनरल कंसेप्ट में बूट लिकर बोलते हैं, बूट लिकर का मतलब आप जानते हैं ना, जूते तलवे चाटने वाला, हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो साइकोफेंट का मतलब वही होता है, वो साइकोफेंट यहां से निकला भैया। साइकोन, साइकोन का मतलब होता है फिग, ठीक है। और फेनिन जो वर्ड है उसका मतलब होता है शो। तो ये एक तरीके से यही से निकला हुआ, ऐसा कोई रूट है नहीं जिसको मैं यहाँ पर आपको बता सकूं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दो वर्ड पे आगे आएगा और अभी इस टॉपिक के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे, बाकी ज्यादा कोई रूट वगैरह वाला कंसेप्ट यहाँ पर है नहीं। सिंपल साइकोफेंट को याद रखना, चापलूसी करने वाला व्यक्ति। और एक वर्ड यूज करते हैं लैपडोग, LAPDOG। लैपडोग का मतलब भी भैया चापलूस करना होता है, ठीक है। फिग, अगर आपको लग रहा हो फिग क्या होता है, फिग एक प्लांट को बोलते हैं भैया, प्लांट है जिसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लगते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है बिना मतलब कि आप इसको पढ़ सकते हो, आगे जाकर के आप देख लेना, कुछ ज्यादा यहाँ पर है नहीं। डॉज द टैरिफ, डॉज का मतलब होता है चीज में छेड़खानी करना, अवॉइड करना, टैक्स वगैरह, टैरिफ का मतलब टैक्स वगैरह, ड्यूटी वगैरह होता है। और डॉजिंग द टैरिफ का मतलब होता है ड्यूटी वगैरह ना पे करना, टैक्स वगैरह ना पे करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। और फिग डीलर्स मतलब जो फ्रूट्स वगैरह, जो फिग जो प्लांट के ऊपर जो फ्रूट्स वगैरह लगते थे उसमें जो डील किया करते थे, व्यापार करते थे, अब व्यापार करेंगे तो टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, टैरिफ लगेगा, तो उसको जो कुछ तो चोरी करने की कोशिश करेंगे टैक्स को, तो वो देवर डॉजिंग द टैरिफ। और जो इनकी सूचना दे दिया करता था वो बूटलीकर, साइकोफेंट एक तरीके से, ऐसे ही वर्ड लिखना हुआ बस। अ साइकोफेंट में अपीयर टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्टूल पीजन। स्टूल पीजन क्या होता है, इस एक व्यक्ति दिखाता हूं आपको, देखिए ये है स्टूल पीजन। स्टूल पीजन का मतलब होता है पुलिस इन्फॉर्मर। पुरानी बॉलीवुड मूवीज में आपने इस तरीके का देखा होगा कि कोई किसी बड़े से डोन की कोई खबर पुलिस को देने वाला एक खबरी हुआ करता था, और वो खबरी इस तरीके से किसी बूथ में जाकर के पुलिस को फोन किया करता था। और अक्सर बॉलीवुड मूवीज की एक कहानी है कि जैसे ही वो खबरी कोई बड़ी सी खबर पुलिस को दिया करता था, पीछे से एक कार आती थी और वो बूथ समेत उस इन्फॉर्मर को, खबरी को उड़ा दिया करती थी, है ना। वो फिर वो मर जाया करता था, पुलिस के पास सिर्फ खबर रहती थी, कोई सबूत नहीं होता था। फिर वो उस तरीके की कहानी है बॉलीवुड में, मतलब पुरानी स्टोरी चलती है। ऐसे खबरी व्यक्ति को बोलते हैं स्टूल पीजन। अभी आपको समझ में आया होगा उसको क्या बोलते हैं, वो जब बूथ पर जाकर के फोन करता था। तो साइकोफेंट व्यक्ति स्टूल पीजन भी हो सकता है, है ना। ही सिंस द लेटर करीज द फेवर ऑफ पुलिस ऑफिशियल, क्योंकि वो पुलिस ऑफिशियल से फेवर अपने लिए निकालता है, उसको फेवर मिलता है बाय पीचिंग ऑन हिज फेलो क्रिमिनल्स। पीचिंग का मतलब होता है खबर, किसी की खबर पहुंचा देना कहीं पर, ठीक है। पीच करने का मतलब ये होता है किसी की खबर कहीं पर पहुंचा देना। अगर जस्ट अ मिनट गाइस, यस ओके दिस इज फाइन, यस। तो पीचिंग का मतलब होता है अब किसी की खबर कहीं तक पहुंचा देना, पीच करना। जैसे स्टूल पीजन क्या करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। तो स्टूल पीजन इज द व्यक्ति जो नाउन है वो ये है, और पीच एक वर्ब है, ठीक है। अपने फेलो क्रिमिनल्स के बारे में किसी को बता देना। जैसे जब भगत सिंह का केस चल रहा था कोर्ट में,
एक्चुअली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जब पकड़ा गया था, उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उसके बाद उन्होंने खुद को अरेस्ट करवा दिया था। तो उस टाइम पर जब वो केस चल रहा था, तो बहुत सारे जो उन्हीं के साथी थे, जो शुरुआत में साथी थे जिन्होंने साथ मिलकर काम किया था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीच कर दिया था उनके बारे में, और वहीं से फिर तार जुड़ने शुरू हुए। फिर वो सॉन्डर्स की डेथ वाला मामला सामने आया, फिर उन्होंने उस एंगल से उसको देखा, और फिर वहां से जाकर के फिर कुछ लोगों ने पीच किया था, कुछ लोग पुलिस इन्फॉर्मर बन गए थे, पुलिस की तरफ चले गए थे, तो जो इन्फॉर्मर थे उन्होंने पीच किया था। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। साइकोफेंट में यूज दिस मीन्स ऑफ इनग्रेशिएटिंग देमसेल्फ विद इन्फ्लुएंशियल सिटीजंस ऑफ द कम्युनिटी। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है इनग्रेशिएटिंग, और इनग्रेशिएट करने का मतलब होता है, देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इनग्रेशिएट करना और इंसिनुएट करना, इन दोनों का मतलब होता है प्लीज करना। तो ये मतलब एक सुख या प्लेजर वाली चीज पहुंचाना, या किसी की गुड बुक्स में आना, इनग्रेशिएट करना, इंसिनुएट करना भी वही होता है, प्लीज करना। तो क्या कर रहे हैं ये साइकोफेंट, अपने आप को अच्छे उस पर लेकर के आ रहे हैं, है ना, चापलूसी करके। चापलूसी कोई व्यक्ति कब करता है? चापलूसी करके क्या मिलेगा? चापलूसी करके उसको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही, तो वो प्लीज कर रहा है किसको? जो इन्फ्लुएंशियल सिटीजन है उनको प्लीज करेगा, है ना। वो क्या यूज करेंगे? फ्लैटरी, चापलूसी यूज करेंगे, सर्वाइल अटेंशन, बिल्कुल मतलब सामने वाले व्यक्ति के हर चीज का ध्यान रखेंगे। साहब आपको क्या चाहिए, साहब आपको ये चाहिए, साहब आप ऐसे हो, साहब आप वैसे हो, वो सर्वेंट से सर्वाइल अटेंशन बनाए। इंसिनुएटिंग देमसेल्व्स इनटू समवन्स गुड ग्रेसेस, जो मैंने कहा अच्छे, अपने आप को दूसरों की अच्छी, दूसरों की नजरों में अच्छा बना करके रखना, तो वही प्लीज करना दूसरों को। साइकोफ्रेंड जो व्यक्ति होगा वो साइकोफ्रेंसी करेगा, चापलूस व्यक्ति चापलूसी करेगा, चापलूसी वाला उसका एटीट्यूड होगा। और ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही अनकॉम्प्लीमेंट्री है, किसी तारीफ करने के लिए नहीं है। चापलूस व्यक्ति किसी को बोलना तो वो अच्छी बात नहीं है, वो एक बुरी बात है, वो एक बैड बैड ट्रेट है। स्टूल पिजन आपने देख लिया है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये अलग से कंसेप्ट है, यहाँ पर मटेरियल में भी सो डाली है। देखिए फालतू की कहानी यहाँ पर लिखी है। डायफेनस एक वर्ड समझाना है बस। डायफेनस मतलब कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसी चीज होती है, जनरली कपड़ा, जिसमें से बहुत हद तक आर पार देखा जा सकता है। जैसे लड़कियों के पास या महिलाओं के पास जो सूट के ऊपर डालने के लिए चुन्नी होती है, वो जनरली डायफेनस मटेरियल की होती है। वो डायफेनस मतलब, डाया मतलब थ्रू और फेनस मतलब टू शो, जिसके थ्रू थोड़ा बहुत आर पार थोड़ा बहुत दिख सके, उसको बोलते हैं डायफेनस। ठीक है, डाया मीन्स थ्रू, ठीक है, फेनस एज यू नो जहां पर शो होता है उसको डायफेनस बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखा, जनरली कपड़ों के लिए यूज होता है, शीशे के लिए यूज नहीं होगा। ध्यान रखना, कोई शीशा और आर पार दिखा तो वी विल नॉट कॉल इट अ डायफेनस ग्लास। कपड़े वगैरह के लिए, कागज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, इस तरीके के मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेटीरियल थोड़ा सिल्की होता है, गौजी, फिल्मी, थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, तो हम जनरली फीमेल गारमेंट्स के लिए यूज करते हैं। फीमेल गारमेंट्स महिलाओं के जो नाइट गाउन्स होते हैं वो थोड़े इस टाइप के डायफेनस टाइप के होते हैं। और नेग्लिजीज, इसकी आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, शायद मैं गलत तो नहीं हूँ, नेग्लिजीज जो है वो भी ऐसे ही नाइट गाउन टाइप के होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं और ट्रांसपेरेंट टाइप के ही होते हैं। तो नाइट गाउन है, महिलाओं की ड्रेस होती है थोड़ी सी इस टाइप की, तो उसको डायफेनस बोलते हैं। ये अलग से वर्ड यहीं से आया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड जो हमने देखा था वो था डिलीटांट। डिलीटांट स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DILETTANTE, डिलीटांट। इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये किसी काम को करता है और ये किसी काम को अपने खुद की इंजॉयमेंट के पर्पज से करता है। इसका कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं होता, सिर्फ इसलिए किसी काम को करेगा कि इसको बस डिलाइट मिल रहा है, मजा आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, ये किसी चीज को पेंट करेगा, लिखेगा, कंपोज करेगा, प्ले करेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो या किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करेगा, तो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए करेगा, मौज मस्ती के लिए करेगा, पैसे कमाने के लिए नहीं करेगा या फेमस बनने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ अपने अंदर, और ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव वर्ड है उसको करने के लिए नहीं, सिर्फ फन के लिए किसी काम को करता है। ठीक है, बाकी जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो सब अपने पैसे बनाने के लिए, फेमस होने के लिए करते हैं। डिलीटेंटिश एटीट्यूड इज सुपरफिशियल। डिलीटेंटिश एटीट्यूड जो होता है किसी व्यक्ति का, वो सुपरफिशियल एटीट्यूड होता है, मतलब ऊपर ऊपर से चीजों को देख ला, थोड़ा अनप्रोफेशनल टाइप का व्यक्ति होता है। ऑब्वियसली अनप्रोफेशनल है क्योंकि वो उस चीज को प्रोफेशनली नहीं कर रहा है। डिलीटेंट मे बी नोइंग फाइन डिटेल्स ऑफ समथिंग बट ही इज नॉट ए प्रोफेशनल इन दैट फील्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये टाइम पास करने के लिए पार्ट टाइम एक्टिविटी के तौर पर किसी चीज को कर रहा था, एंड देन दैट जस्ट नॉट टू अर्न मनी और फेम, जस्ट टू पास पास इस टाइम, ठीक है, और कुछ इसके अंदर है नहीं ऐसा यहाँ पर। अब डिलीटेंट को ये कह रहे हैं, डिलीटेंट को आप किसी टायरो के साथ कंफ्यूज मत करना। टायरो जो होता है वो बिगिनर होता है, नोविस होता है, शुरुआत करने वाला होता है। डिलीटेंट किसी काम को हो सकता है लंबे टाइम से कर रहा हो लेकिन अपनी अम्यूजमेंट के लिए कर रहा है। टायरो क्या है? टायरो होता है इनएक्सपीरियंस बिगिनर, जिसने अभी अभी शुरुआत की है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशन हो सकती है। टायरो के अंदर किसी चीज में प्रोफेशनल या एक्सपर्ट बनने की वो हो सकती है, पैसे या फेमस, पैसे कमाने या फेमस होने का वो हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, ड्राइव हो सकती है उस चीज के लिए। किसी व्यक्ति को टायरो बोलने का मतलब है ये सिर्फ किसी काम में अपनी शुरुआत कर रहा है, मे बी किसी आर्ट फील्ड में, साइंस फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, किसी भी चीज में। डिलीजेंट बोलने का मतलब वो अपनी अम्यूजमेंट के लिए उस काम को करता है, अपने मौज मस्ती के लिए उस काम को करता है, ठीक है। इस डिलीजेंट के अंदर स्किल हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। टायरो के अंदर जनरली शुरुआत में कोई स्किल होती नहीं है। और एनी वन हु हैज डेवलप्ड कंज्यूमेट स्किल इन एन आर्टिस्टिक फील्ड जनरली अलाइड टू म्यूजिक इज कॉल्ड ए वर्चुओसो। कंज्यूमेट का मतलब होता है भैया एक्सपर्ट। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज या एक्सपर्ट स्किल किसी फील्ड में ले ली है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुओसो। जनरली आर्ट फील्ड से संबंधित अगर कोई होता है, म्यूजिक वगैरह से संबंधित अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुओसो। यहाँ पर दो तीन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आपका मन करके पढ़ लेना, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो टायरो बिगनर, डिलीटेंट जो अपनी मौज मस्ती के लिए करे, और वर्चुओसो जो एक्सपर्ट हो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में जिसके पास कंज्यूमेट स्किल हो। कंज्यूमेट का मतलब एक्सपर्ट लेवल पे, परफेक्शन लेवल पे स्किल हो जिसके पास पूरी। और वर्चुओसो का प्लूरलाइजेशन अगर हम करेंगे तो वर्चुओसोस कर देंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि कुछ सोफिस्टिकेटेड या बहुत एडवांस या कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो है वो वर्चुओसी भी होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया इटालियन फॉर्म जो होती है प्लूरल बनाने के लिए वहां पर जनरली आई लगाते हैं। यहाँ पे डिलीटेंटे का प्लूरल बनाया गया डिलीटेंटी, वर्चुओसो का बन जाएगा वर्चुओसी, लिब्रेटो का बन जाएगा लिब्रेटी, कंसर्टो का बन जाएगा कंसर्टी। अभी ये प्लूरल बनाने का चक्कर है, इटालियन में कैसे होता है, सिंपल इंग्लिश में कैसे होता है, उसके बीच में पढ़ने की जरूरत है नहीं। वी यूज एन एस है ना हमारे लिए, तो वर्चुओसो से वर्चुओसोस बनेगा, लिब्रेटो से लिब्रेटोस बनेगा, और कंसर्ट से कंसर्टोस बनेगा, तो उसमें तो ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं आपके लिए, ठीक है, जो आपको अलग से पढ़ना पड़े। अगर आपको लगे कोई वर्ड ऐसा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट। फोर्थ जो पर्सनैलिटी हमने पढ़ी थी लास्ट सेशन में, एक विरैगो एक वर्ड पढ़ा था, यहाँ पर आएगा अभी विरैगो। विरैगो मतलब कोई बहुत ही मैस्कुलिन टाइप की महिला जो लड़ने झगड़ने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है, बहुत तुरंत लड़ाई झगड़ा कहीं पर भी कर लेती है, उसको बोलते हैं विरैगो। तो विरैगो के लिए यहां पर वर्ड यूज किए गए हैं टर्मागेंट एंड हैरिडन, ये सिनोनिम है इसके। कोई भी ऐसी महिला जो बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती हो, बहुत ही ज्यादा लाउड स्पोकन हो, जिसको मुझे बहुत ही मोटी भारी भरकम आवाज निकलती हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मागेंट, उसी को बोलते हैं हैरिडन, उसी को बोलते हैं विरैगो। ये एक ही जैसे शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही जैसा मीनिंग है, और कोई नया वर्ड नहीं है। लैटिन वर्ड है मैन के लिए वीर, पंजाबी में भी भाई को वीर बोलते हैं, वहां से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना। और इसी वीर से विरैगो बनाया, मतलब मैन के जैसी दिखने वाली मैस्कुलिन वुमेन जो होगी, थोड़ी सी लड़ने झगड़ने वाली, जिसके अंदर जनरल फेमिनिन क्वालिटीज नहीं है। जनरल फेमिनिन क्वालिटीज, स्टीरियोटिपिकली फेमिनिन क्वालिटीज जो मानी जाती है वो होती है टिमिड, डेलिकेट, लो स्पोकन। जनरली महिलाओं के लिए माना जाता है कि थोड़ा टिमिड टाइप की होंगी, डर जाती जल्दी, डेलिकेट होंगी, नाजुक, लो स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगी, ऐसा स्टीरियोटिपिकल। स्टीरियोटिपिकल मतलब जो शुरुआत से एक धारणा बनी हुई है उस सेंस में इसको यूज किया गया है। लेकिन विरैगो के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वो टिमिड है, ना वो नाजुक है, और ना ही वो लो स्पोकन है, वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ड स्पोकन है, बहुत ही ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन, अभी यहां पर ओल्ड मैन के लिए वर्ड यूज हुआ है, देखिए यहां पर निकोलस शोविन, ये भी फ्रेंच एम्पायर के एक सोल्जर हुआ करते थे, और ये इतने ज्यादा वॉसीफेरसली अनसीजिंगली अपनी वेनरेशन नेपोलियन बोनापार्ट के लिए करते थे। अब इसका मतलब क्या है? वॉसीफेरस होता है बहुत ही ज्यादा जोर से लाउडली किसी बात को बोलने वाला, अनसीजिंग होता है बिना रुके हुए, एयर्ड मतलब बोलना मुंह से निकालना, वेनरेशन होता सम्मान। मतलब निकोलस शोविन नाम का जो सोल्जर था वो नेपोलियन बोनापार्ट की बिना रुके बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा और लाउड शब्दों में बहुत ज्यादा तारीफ करता था, और इतनी ज्यादा तारीफ करता था वो नेपोलियन बोनापार्ट की कि वो अपने आप में लोग उसी का मजाक उड़ा कर दिया करते थे। वो अपने आप में लाफिंग स्टॉक बन गया पूरे यूरोप में, लाफिंग स्टॉक मतलब मजाक का पात्र बन गया। इतना ज्यादा वेनरेशन, इतना ज्यादा सम्मान, इतना ज्यादा भक्ति नेपोलियन बोनापार्ट के लिए उसके मन में थी,
और वहीं से उसी के नाम का जो ये शोविन लिखा हुआ है, इसी शोविन से एक वर्ड बना शोविनिस्ट, और आज के युग में शोविनिस्ट इंग्लिश भाषा का एक शब्द है। ये भी अब देखो निकला, शोविन के नाम से निकला हुआ है। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो एग्जैजरेटेड एंड ब्लेटेंट, ब्लेटेंट मतलब बहुत ज्यादा नोइजी, एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला, पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त। अब देशभक्ति करेगा तो देशभक्त, और किसी व्यक्ति की भक्ति करेगा तो उसके लिए भक्त। तो इस तरीके का कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेशन, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके और बहुत ही ज्यादा नोइजी तरीके से अपनी भक्ति को शो करता हो, उसको शोविनिस्ट बोल दिया, बोल देते हैं आज की डेट में। जिंगोइस्ट भी बोलते हैं, शोविनिस्ट भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली कोई व्यक्ति जो अपने देश की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हो, ये जनरली कंट्री के लिए यूज करते हैं। ब्लेटेंट वेनरेशन, ब्लेटेंट मतलब बहुत ज्यादा जोर शोर से, बोस्टफुलनेस बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है, अपने देश के बारे में, मतलब पैट्रियोटिक होना तो प्राउड ऑफ होना होता है कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप डिवोटेड है अपनी कंट्री को लेकर के। लेकिन शोविनिस्टिक होना एक नेगेटिव टर्म बन जाती है कि अगर आप शोविनिस्टिक हैं किसी भी चीज को लेकर के, नॉट ओनली टू कंट्री बट टू रिलीजन एज वेल, बट टू अपने कम्युनिटी एज वेल, अगर आप शोविनिस्टिक हैं तो एग्जाजरेट करना उस चीज को, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना, इस लेवल तक बढ़ा चढ़ा देना दैट यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज obnoxious. ऑब्वियसली ऐसी चीजें घृणा करने के लायक होती हैं, ये थोड़ा सा बेकार सा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग यू मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। यहीं से आगे वर्ड बनाए, वी मस्ट, आगे वर्ड है वी मस्ट डाइग्रेस हियर। डाइग्रेस का मतलब होता है रास्ता बदलना, हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाइग्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा रूट चेंज करना पड़ेगा, कुछ और शब्दों को निकालने के लिए एटिमोलॉजिकल साइड में जाना पड़ेगा ताकि हम कुछ और वर्ड निकाल सकें, कुछ और शब्दों को पहचान सकें, बैकन कर सकें। बैकन करने का मतलब इशारा करना होता है, इशारा करके किसी को बुलाना होता है। तो ये जो वर्ड बना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पैटर से बना है, पैट्रियोट वगैरह, पैटर, पैट्रिस, ये फादर के लिए यूज होता है, फादर या वंस कंट्री के लिए यूज होता है, फादर लैंड के लिए यूज करते हैं इसको, इसलिए पैट्रियोट बनता है। पैट्रियोट मतलब जो देशभक्ति करेगा, पितृभक्ति करेगा, देश को जनरली पिता का वो कहा जाता है, फादर लैंड कहा जाता है। इसी पैटर, पैट्रिस, फादर से कई सारे वर्ड बने, पैट्रीमनी, पैट्रीमनी मतलब विरासत होती है, आपको आपके पिता से क्या चीज विरासत में मिली है वो आपका पैट्रीमनी है, ठीक है, विरासत में मिला हुआ रुपया पैसा। पेट्रोनिमिक वर्ड बना है, पेट्रोनिम से बना है, पेट्रोनिम का सिंपल सा मतलब होता है, देखो यहां पर कहानी बहुत सारी लिखी हुई है, मैं उस सबको छोड़कर मैं बता दूं, पेट्रोनिमिक या पेट्रोनिम का मतलब होता है नेम डिराइव फ्रॉम फादर्स नेम, पिता के नाम पर रखा हुआ नाम, जैसे यहां पर लिखा उन्होंने जॉनसन, जॉनसन हम किसी का नाम रखें और उसके पिता का नाम जॉन हो तो जॉन के नाम पर नाम रखा गया जॉनसन, मार्टिन के नाम पर रख दिया मार्टिनसन, आरोन के नाम पर रख दिया आरोनसन। तो पिता का नाम, आपने साउथ इंडिया में देखा होगा, साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है कि बेटे के नाम के अंदर ही पिता का नाम भी शामिल होता है, तो पिता के नाम पर रखा गया जो नाम होगा ना पुत्र का उसको बोलते हैं पेट्रोनिम, ऐसे ही मदर के नाम पर रखा हुआ जो नाम होगा उसको मेट्रोनिम बोल देंगे। तो यहां पर सारी की सारी वही कहानी है, ग्रीक का एक शब्द है ओनिमा जिसका मतलब होता है नेम, इसी ओनिमा को जोड़ करके सिनोनिम बना है, इसी से एंटोनिम बना है, वही सारी कहानी यहाँ पर बताई हुई है, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, पेट्रोनिम, मेट्रोनिम, ये सारे वर्ड यहीं से बने हैं ओनिमा से, ओनिमा का मतलब होता है नेम। आप चाहो तो इस कहानी को पढ़ लेना, कोई ज्यादा कुछ नया है नहीं। ये कह रहे हैं सिनोनिम से सिनोनिमस बनता है तो एंटोनिम से क्या बनेगा, तो एंटोनिमस बनेगा भैया, होमोनिम से होमोनिमस बनेगा, होमोफोन से होमोफोनस बनेगा। होमोफोन मतलब होता है कोई दो शब्द जिनका साउंड एक जैसा हो, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, साउंड एक जैसा हो, जैसे यहां पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल विद पी एल ई और प्रिंसिपल विद पी ए एल, इन दोनों का साउंड सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, तो ऐसे शब्दों को हम होमोफोन बोलते हैं। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, सेम साउंड, सेम साउंड लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग अलग अलग है तो उनको हम बोलते हैं ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, पेटर्निटी होता है फादरहुड, पेटर्निटी शब्द का मतलब है फादरहुड, ठीक है, जैसे मैटरनिटी इज मदरहुड, पैटर्निटी इज फादरहुड, ब्रदरहुड के लिए फ्रेटर्निटी वर्ड को यूज करते हैं, तो वही वर्ड यहां पर यूज हुआ है। ये सेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर शब्द थोड़े से ज्यादा हैं, और पैटर्निटी, फादरहुड, पैटर्निटी लीव्स होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बेबी हो, मतलब बेबी व्यक्ति को मतलब महिला को होगा लेकिन पिता भी तो होगा ना, तो वो पैटर्निटी लीव्स लेते हैं, ठीक है, और यहीं से वर्ड बनता है पैटर्नल मतलब फादरली, और फादरली या पैटर्नल वर्ड कहीं पर यूज करते हैं तो बहुत ही बिनाइन और प्रोटेक्टिव वाला सेंस उसके अंदर आ जाता है वहां पर, ठीक है। ये इस तरीके का सिस्टम है,
आगे इसमें कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लेना। पैटर्निटी वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बस, बाकी इस कहानी के अंदर और कुछ ऐसा है नहीं। पैट्रियार्क से पैट्रियार्क मतलब मेल रूलर, मेल रूलर जो होता है उसको बोलते हैं पैट्रियार्क। वेनरेबल फादर लाइक ओल्ड मैन, जो पूरे परिवार का या कुनबे का या पूरे कस्बे का या मोहल्ले का या देश का जो शासक होता है, वेनरेबल है, सम्मान करने के लायक है, फादर लाइक है सबके लिए, तो उसको हम पैट्रियार्क बोलते हैं। आर्केन एक रूट वर्ड है, ग्रीक रूट है, जिसका मतलब होता है रूल करना, शासन करना, और पैट्री मतलब होता ही है पिता। पैट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या कर देना, जो सीडो से बना है लेटिन रूट से, सीडो का मतलब होता है किल, साइड मतलब होता है किल, हत्या करना, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, ये सब वर्ड बनते हैं वहां से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे वर्ड खत्म हो गए हैं, एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो यहाँ पे बनते हैं पैट्री से, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, पैट्रिशियन, पैटर्न, पैटर्नाइज, पैटर्नाइजिंग, पैटर फेमिलियाज, और पादरी। पादरी, पादरी वही होता है भैया जो वो चर्च वगैरह के अंदर पादरी होता है, वो भी फादर लाइक शब्द है। तो अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप जिज्ञासु हैं और सब जानने की वो रखते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। इन शब्दों का मीनिंग आप निकालना, मैं चाहूंगा कि आप इन शब्दों का मीनिंग निकालें। पैट्रिशियन तो मैंने अपने वोकैबुलरी डे के अंदर भी यूज किया था। पैटर्न किसी को शेल्टर देना होता है, जिसको शेल्टर देंगे वो पैटर्न, बाकी शब्दों का मतलब आप निकालेंगे। पैटर्न फेमिलियर्स क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सर्च करके, अगर समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको ये चीज बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, द ओल्ड लेडी, जैसे पैटर्स पैट्रिस ये फादर के लिए होता है, ऐसे ही मैटर और मैट्रिस मदर के लिए यूज करते हैं। मैट्रियार्क इज फीमेल रूलर, फीमेल रूलर, कोई मदर लाइक पर्सन हो, महिला हो और वो रूलर बने, तो उनको बोलते हैं मैट्रियार्क, ठीक है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ अभी उसके लिए। मैटर्निटी का मतलब मदरहुड, मैटर्नल मतलब मदरली, मात्र, हाँ, माता के जैसा, तो मैटर्नल। मैट्रन होता है किसी हॉस्टल में लड़कियों की देखरेख करने वाली जो महिला होती है वो मैट्रन होती है वहां पर, ठीक है। ओल्डर वुमन होती है, सफिशियंटली मैच्योर होती है टू बी ए मदर, ठीक है। और मैट्रनली अगर हम किसी के लिए यूज करते हैं तो यहां पर एक सेंस कंजोरअप होता है, कंजोरअप मतलब दिमाग में आता है, अगर हम किसी के लिए मैट्रनली वर्ड को यूज करेंगे तो एक एक सेंस जो इवोक होता है वो ऐसी महिला के लिए होता है जो बहुत ज्यादा उनके चेहरे पर ग्लो नहीं है यूथ का, ठीक है, और थोड़ा सा वेट उन्होंने ज्यादा गेन कर लिया है, गले वाले जगहों पर ज्यादा वेट आ गया है, तो मैटर्नली किसी को अगर बोले तो क्वेश्चन से बोले, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ के लिए खतरा पड़ जाए, आप किसी को मैटर्न बोल दें और पिटाई हो जाए सामने वाले को अगर सारा कुछ पता हो तो ये यहां पर बताएगा। हजारडस मतलब नुकसानदायक होता है, बच के ना किसी विधायक को अगर तुमने बोल दिया मैटर्न और लगे पिटाई होने, फिर बाद में बोलना गुरु जी क्या पढ़ा दिया। अगला बोला अल्मा मैटर, अल्मा मैटर भैया देखो मैटर वहीं से बना है, मैट्रेस और से सोल, मदर सिंपल सा मतलब है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से आप अपनी बेसिक एजुकेशन गेन करके प्राप्त करके निकले हो, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर, वो स्कूल या कॉलेज जहां से आपने अपनी एजुकेशन प्राप्त की है। अगला वर्ड है मैट्रीमनी, मैट्रीमोनियल साइट सबको पता होती है क्या होता है। मैट्रीमनी का मतलब है शादी, मैरिज, और ऐसा कोई रूट सिस्टम नहीं है ये, एक बस एक मात्र उसमें बना एक एक सोच के कंसेप्ट में बना हुआ है। पैट्रीमनी पैतृक संपत्ति, मैट्रीमनी मात्र संपत्ति, ऐसा कुछ है नहीं है सच। आप रिलेट कर सकते हो भाई, किसी की बेटी की शादी हो तो माँ के लिए तो वही एक संपत्ति है उसकी, है ना, हालांकि बेटे भी हैं पर बेटी है वो बस बना हुआ है। इसको इस लिहाज से ना देखा जाए, इतना सिनिकल होकर के, इतना नेगेटिव माइंडेड ना होकर के देखा जाए कि लोग शादी करते हैं तो वहां पे पैसा आता है, दहेज आता है, दहेज के लिए शादी करते हैं, इतना नेगेटिव माइंड होकर के ना सोचें, ये बस बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे सिनिकल मतलब होता है नेगेटिव माइंडेड पर्सन, तो इतना नेगेटिव माइंडेड होकर ना सोचें चीजों को, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसा ऐसा मत सोचना, ठीक है। मनी MONY इज ए नाउन सफिक्स जहां से सैंक्टी मनी, पारसी मनी ये सब वर्ड बने। सैंक्टी मनी मतलब पवित्रता होता है, पारसी मनी कंजूसियत होता है, ठीक है। मैट्रीमोनियल भी वहीं से बना, लेकिन इसमें कोई कंजूसियत वगैरह है नहीं। मैट्रीसाइड बना है किलिंग ऑफ वंस मदर, और अभी ये कह रहे हैं कि मर्डर से रिलेटेड हमने पैट्रीसाइड देखा, मैट्रीसाइड देखा, तो मर्डर में भी कुछ सारे और शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला वर्ड है सुसाइड, तो इसको सबको पता है सुसाइड क्या होता है, आत्महत्या, खुद की हत्या कर लेना, ठीक है। और फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है ब्रदर की हत्या कर देना, फ्रेटर, फ्रेट्रिस, फ्रेटर, ब्रदर, फ्रेटर्निटी यहीं से वर्ड बनता है, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। सोरोरी साइड होता है सिस्टर की हत्या के लिए। होमीसाइड होता है किसी भी ह्यूमन बींग की हत्या के लिए, एनी स्लेइंग, किसी भी ह्यूमन बींग की हत्या के लिए। प्री मेडिटेशन होता है सोच समझ करके किया हुआ, मैन स्लॉटर। अब यहां पर एक कहानी लिखी हुई है,
कहानी क्या लिखी हुई है, बस ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, और अगर ये साबित भी हो पाया तो ये मर्डर कहलाएगा, और अगर साबित नहीं कर पाए कि कोई इच्छा जानबूझ करके मारा है तो फिर वो मैन स्लॉटर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप किसी की हत्या कर दी और ये साबित हो गया कि आपने जानबूझ करके की है तो वो मर्डर है, पनिश तो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी की हत्या कर दी लेकिन ये भी साथ में साबित हो जाए कि कोई इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया मर्डर, तो फिर वो मैन स्लॉटर कहलाएगा, और मैन स्लॉटर में शायद जो पनिशमेंट होगी वो थोड़ी सी कम होगी, इस तरीके का वो यहाँ पर सेंस दिया हुआ है। ठीक है, सकम नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, सकम का मतलब है मर जाना। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मजाकिया टोन में कुछ लिखा हुआ है, इसको सीरियसली मत लेना कि कहीं किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के उसमें कुछ डाल दो, मिला दो आर्सेनिक वगैरह। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहो तो इस कहानी को पढ़ लेना, नो बिग डील, कुछ ऐसा है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। रेजी साइड का मतलब था राजा या रानी की हत्या कर देना। रेक्स रेजिस का मतलब था किंग प्लस साइड, राजा रानी की आपने नेता की एक तरीके से हत्या कर देना। आगे बढ़ते हैं, युगजोरी साइड इज वाइफ की हत्या करना, मैरिटी साइड हस्बैंड की हत्या करना, इन्फेंटी साइड किसी बेबी की हत्या कर देना, ये वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब के लिए। ठीक है, जीनोसाइड एक पूरी किसी रेस, पूरी किसी प्रजाति, पूरी किसी टाइप के लोगों की, पूरी किसी कम्युनिटी के लोगों की एक साथ हत्या कर देना। ठीक है, जैसे हिटलर ने ज्यूज की हत्या करवाई थी, दैट वाज अ जीनोसाइड। पैरिसाइड इज पेरेंट्स की हत्या कर देना, दोनों की या किसी एक पेरेंट की, माता की या पिता की या माता पिता दोनों की हत्या कर देना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पैरिसाइड। तो ये काफी सारी हत्याएं यहाँ पर इसके अंदर हो गई हैं, तो ज्यादा हत्या नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये सेशन में इतना ज़्यादा, सेशन थोड़ा लेंदी हो गया यार क्योंकि शब्द भी थोड़े से ज़्यादा थे। तो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी फीडबैक, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।